नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं कि जो पहली दफा मिलने आते हैं, कई सारे ऐसे साधक होते हैं कि जो ठीक हो जाने के बाद हमें मिलने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक साधक हमें मिलने के लिए आए हैं, इनका क्या अनुभव है वो पूरा का पूरा डिटेल हम इनसे जानेंगे। तो मीना बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। आप कहाँ पे रहते हो? मैं SGI में सेटल। ओके, और आप कितनी एज के हो? मैं 62। ओके, और कब से ये सिस्टम को फॉलो करते हो? मैं आपका वीडियो देखा। हाँ? मेरा बेटा लिख रहा था कहीं से सुन के, तो फिर उसने तो फॉलो नहीं किया। हाँ? पर मैंने, मेरे माइंड में हुआ कि मैं फॉलो करूँ, एटलीस्ट मुझे ये 3-4 साल से ब्लड प्रेशर शुरू हुआ था। ओके, तो फिर मैंने स्टार्ट किया आपका ये देख देख कर, जूस पीना वगैरह जो भी आप बताते हो जी। पर उससे मुझे ये ब्लड प्रेशर में बहुत ही मतलब दवाई चल गई, क्योर हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छा जी। और 3 महीने से ये सिस्टम फॉलो किया। हाँ, तो पहले भी आपका इतना वजन था कि अभी? नहीं, मेरा 72 था। ओके, और अभी मेरा 60। अच्छा। हाँ। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में बीपी जो है वो चला गया है और वजन कम हुआ है। तो बीपी आपको कब से था? बीपी मेरे को 8 से 10 साल हो गया जी। 10 साल पुराना बीपी अगर 1-2 महीने में ठीक हो जाता है तो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर को मिलते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जब तक जिंदा रहो तब तक बीपी की गोली खानी है। अभी भी मुझे कहते हैं कई लोग कि जी छोटा नहीं चाहिए, कुछ हो जाएगा तो ये क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा। अरे पर मुझे कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्यों खाऊं ना जी। तो आपको ये इतना फायदा हुआ, आपका वजन कम होगा, तो आपको कोई अड़ोस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स में आपको देख के बोलते होंगे क्या होगा, फिर क्या? हाँ, मुझे कहते हैं कुछ बीमारी तो नहीं होगी तुझे जी जी। ऐसा कमेंट फ्रेंड्स वगैरह जो डेली देखते हैं, मुझे फेस की रौनक चली गई। अरे मैं क्या हेल्दी हूँ, रौनक तो आ जाएगी ना। हाँ। मैंने दवाई बंद हो गई जी। हाँ, और मैं हेल्दी, मुझे कोई नहीं है ऐसा कोई इश्यू कि भाई वीकनेस लग रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं सारा दिन जो वर्क करती थी घर में करती हूँ। मीना बहन, ये बताइए कि दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी? नहीं लेनी चाहिए। अगर अपने हेल्थ के बीच में कुछ आड़ आती है तो नहीं लेना चाहिए जी। इतने साल से आप चाय पी रहे थे, दूध छाछ पी रहे थे, कैसे अचानक से त्याग कर दिया? बस मन से मजबूत होकर सोचा था कि बीपी मैं भी करूं तो किसी को मैं बता सकती हूँ कि नहीं। लोग बोलते हैं कि नहीं बंद होती है, नहीं बंद होती है। मैंने बोला मेरे से शुरुआत करते हैं जी। अभी वेट में भी फायदा हो गया तो फिर मुझे श्योर हो गया एकदम कि नहीं भाई ये सब अच्छा ही है जी। लोग जिम में जाके वजन कम करते हैं और फिर भी नहीं होता है और आपका घर बैठे वजन कम नहीं करते, कुछ नहीं करते। ओके, ओनली वर्कआउट कर लेते थोड़ा बहुत, और ये थोड़ा आपका जो सब आप सिस्टम में लाए हो मुझे बहुत, जितनी आप भेजते हो सब बहुत अच्छा। मोटिवेशन इतना मिला कि मैं पूरी फैमिली को, अपने को और मेरे फ्रेंड्स ग्रुप वगैरह सबको बताती, फैमिली में भी बताती हूँ जी। मीना जी, ये बताइए कि सुबह दोपहर शाम रात ऐसा क्या डाइट में आपने चमत्कार कर दिया कि आपकी इतनी 10 साल पुराने बीपी की टैबलेट बंद हो गई? मैं जैसे 12 बजे तक तो कुछ खाती नहीं, रात को जैसे 8-9 बजे जो भी लाइट ले लिया, फिर मैं सुबह मॉर्निंग 12 बजे आपका जूस वगैरह ग्रीन जूस लेती हूँ, फिर दोपहर में फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, और रात को नींबू पानी वगैरह इवनिंग में कुछ ऐसा अगर इच्छा होती है तो, बाकी नाइट में थोड़ा लाइट कोई फूड ले लेती हूँ। ओके, तो 4 टाइम का जो भोजन होता है उसमें से 3 टाइम आपने रॉ फूड खाया। और जूस कौन सा पीती हो, कैसे बनाते हो? ये ग्रीन पूरा वेजिटेबल जो आप बताते पालक वगैरह ग्रीन वेजिटेबल सारा ठीक है, जूसर में जैसे बनाते हैं आपने प्रोसेस बताया वैसे ही, और उसमें थोड़ा नींबू और ये क्या बोलते हैं जीरा पाउडर काली मरी टेस्टी थोड़ा बनाती है, बस वो सारा डाल के ना अपना पीते हैं फ्रेश। जूस पीना कैसा लगता है? बहुत अच्छा जी। तो 2-4 ग्लास तो पी लेगी ऐसा। हाँ, तो घर में भी फैमिली में भी कोई? हाँ, सब पीते हैं। हाँ, सब पीते हैं, सब पीते हैं। हाँ। आप तो आज आए हो, साथ में किसको लेके आए हो? मेरी छोटी बहू को लेकर आई हूँ जी। तो आपका क्या नाम है? रुतिका। रुतिका जी, आप बताइए, आप कब से ये सिस्टम को देख रहे हो, हमें सुन रहे हो, आपको क्या लगा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
एक्चुअली मैं रहती हूँ पुणे में, तो मैंने मम्मी के मुंह से ही, हम लोग ने यहाँ पे फिजिकली तो नहीं देखा, पर मम्मी बताते थे कि मैंने ये 3 मंथ से शुरू किया. जब उन्होंने ये बताया कि बीपी की गोली चली गई, तो वी वर लाइक वेरी शॉक कि ऐसा भी हो सकता है नेचुरल वे में. और यहाँ पे आज मम्मी को कुछ प्रोडक्ट लेने आना था, तो मम्मी ने इंसिस्ट किया कि आप भी चलो एक बार हमारे साथ और आके देखो. तो हमने देखा और एक्चुअली जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे सुनने मिले, दैट वाज वेरी इफेक्टिव. यहाँ पे कुछ ऐसा प्रमोशन या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, जो भी था जो नेचुरल वे में सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताया, तो वो जब हमने सुना हमको लगा दिस इज वेरी इफेक्टिव. इसमें कुछ भी लूप होल या कुछ भी तो अगर आपके आपकी जैसी सास है ऐसी सास पूरी दुनिया में सभी बहू को मिल जाए बिल्कुल, तो बहू तो कभी बीमार ही नहीं, बीमारी नहीं होगी और खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा. जी जी, ये बहुत अच्छी बात है. तो आप कब से ये सिस्टम को फॉलो करोगे? मैं तो आज से ही करूँगी. जी बहुत अच्छी बात है कि आप भी ये सिस्टम को फॉलो करोगे. मीना जी, एनिमा के बारे में बताइए. मैं तो यही चाहूंगी कि मैं भी इतना सब आपका जैसे सुना और वीडियोस देखी, जो अगर पुरानी से पुरानी गंदगी अपना प्यूरिफाई बॉडी होता है और जितनी बीमारी की और होती है. हाँ. तो मुझे तो ओनली बीपी था, अब नहीं करने से इतना फायदा हुआ, तो ये करने से तो और भी पता नहीं बॉडी में क्या चेंजेस होंगे. जी जी, तो फिर तो करना ही चाहिए. हाँ जी, तो घर में जितने भी लोग है, चाहे 1 दिन का बच्चा है या 100 साल के अंकल है आंटी है, वो पूरे घर में सारे के सारे लोग अगर एनीमा करेंगे, तो कभी भी आपके घर पे मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं आएगी और कभी भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना पड़ेगा. तो इसके लिए आप घर में जितने भी लोग हो वो सारे के सारे एनीमा कर दीजिए. आप पूरी दुनिया को एक एडवाइस दीजिए, अगर 3 महीने में ये चमत्कार हो गया, अगर आप 30 साल ये सिस्टम करोगे तो कितना सारा फायदा हो जाएगा. तो पूरी दुनिया को कुछ एडवाइस दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है. बस अपनी डाइट सिस्टम में आइए, थोड़ा नेचुरल फूड को फॉलो कीजिए और लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, हेल्दी रहिए और मेडिसिन खर्चा बचाइए. हाँ, खुश रहिए, फैमिली को खुश रखिए. जितना भी खर्चा दवाई में जाता है उतना खर्चा अगर हम जूस में डालते हैं तो जूस वाला जो है वो एरोप्लेन में घूमता हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल, बराबर है. आपने देखा कभी कि जो फल वाला है वो कार में आया? नहीं देखा. और लेकिन आप देखोगे कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, जो लेबोरेटरी वाले हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो सारे के सारे घूम रहे हैं. वो घूमे, उनका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ये जो फ्रूट वाले हैं, जो फार्मर्स हैं, वो सारे लोग भी बहुत आगे आ रहे हैं. जी, क्योंकि वो जो है वो नेचुरल चीजें उगा के हमें स्वस्थ रहने के लिए वो बहुत सारी मेहनत करते हैं. तो मीना जी, आप यहाँ पे आए और इससे भी बढ़िया, आप अपनी बहू को लेके आए. अगर न्यू जनरेशन ये सिस्टम को एक्सेप्ट करेगी तो पूरा देश जो है वो हेल्दी हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है. और आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत. जी, जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955. सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो. अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडिया सेल सेंटर है, जहां निशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो. अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, अपॉइंटमेंट करके आप हमसे मिल सकते हो. सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय.